हेलो स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पार्चुरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक टॉपिक मैंने इसमें रखा था आपके लिए, और वो टॉपिक जो है वो है रिलेटेड टू द मेनस्ट्रुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको अपन कहते हैं। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मोस्टली फीमेल्स के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेनस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। यानी कि दो प्रकार की होती है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के आधार पर। यानी कि मेमल्स हैं, उनके भी दो क्लास हैं, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। आप प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है ना। नॉन प्राइमेट्स के अंदर काऊ वगैरह ये आते हैं, ठीक है। तो आई एम टेकिंग द टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, इट इज आवर टॉपिक, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अपन ले रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो दो प्रकार की होगी। फीमेल किसके अंदर? मेमल्स के अंदर। इन मेमल्स इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार की है। एक होती है बेटा मेनस्ट्रुअल साइकिल और दूसरी होती है एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, दिस विल अकर इन केस ऑफ प्राइमेट्स एंड दिस विल अकर इन केस ऑफ नॉन प्राइमेट्स। ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन जब अपन पढ़ रहे हैं तो साथ में इसका भी थोड़ा बहुत अपन नॉलेज ले लें। एस्ट्रस साइकिल जो है नॉन प्राइमेट्स में पाई जाने वाली, ये दो टाइप की है, ठीक है ना। एक तो होती है बेटा मोनो एस्ट्रस और एक होती है पॉली एस्ट्रस, ठीक है। यानी कि अपने ये कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर एक ब्रीडिंग सीजन के अंदर एक ही बार आती है तो फिर वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? मोनोएस्ट्रस। और एक ब्रीडिंग सीजन के अंदर एक से अधिक रिप्रोडक्टिव साइकिल कोई ऑर्गेनिज्म दोहराता है तो फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? पॉलीएस्ट्रस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोनोएस्ट्रस के अंदर अगर अपन एग्जाम्पल डालें तो रैबिट को अपन इसमें ले सकते हैं, डॉग को अपन ले सकते हैं इसमें, फॉक्स को अपन ले सकते हैं। और पॉलीएस्ट्रस का मतलब क्या है? एक ब्रीडिंग सीजन में, एक ब्रीडिंग सीजन के अंदर एक से अधिक बार क्या आना? रिप्रोडक्टिव साइकिल का रिपीट होना, ठीक है ना। तो काउ, बफेलो, ठीक है ना, इनको आप इसमें ले सकते हैं, रैट को ले सकते हैं, कैट को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलीएस्ट्रस यानी कि विद इन ए ईयर मैच्योर होने के बाद में इनमें कई बार जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल आती है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि मेटिंग होती है या नहीं होती है मेल और फीमेल के बीच में, लेकिन रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मल्टीपल टाइम आएगी, यानी कि ओजेनेसिस और ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीएस्ट्रस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एस्ट्रस साइकिल जो है उसको तीन फेजेज में क्लासीफाई किया गया है इन ऑर्गेनिजम्स में। पहला जो फेज होता है एस्ट्रस साइकिल का, पहले मैं एस्ट्रस साइकिल ले रहा हूं, सिंपली आप समझें इसको, ज्यादा जोर नहीं देना। प्रो एस्ट्रस फेज होती है एक तो इसकी, एस्ट्रस फेज जो होती है वो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट फेज होती है, सबसे छोटी फेज होती है, सबसे कम समय की होती है। और इस फेज के अंदर FSH सिक्रीशन ज्यादा होगा, इसलिए फॉलिकल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। और इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी इसके अंदर? ओजेनेसिस। तो प्रोएस्ट्रस फेज का मतलब क्या है? इन दैट फेज FSH जो है वो बनेगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल्स बनेंगे, यानी कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होगी? कंप्लीट होगी, ओजेनेसिस चलेगा, ठीक है।
दूसरा जो इसका मेन फेज होता है दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रस फेज। इस फेज के अंदर एस्ट्रोजन बनेगा, ठीक है, और एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के कारण इस फेज में अगर अपन सही मायने में देखें तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो भी होती है, और इसको हीट पीरियड भी कहते हैं, यानी कि इस पीरियड के अंदर फीमेल जो है वो मेल की ओर अट्रैक्ट होती है कपलिंग या मेटिंग की प्रोसेस के लिए, हीट शो करती है, इसलिए इसको हीट पीरियड भी कहा जाता है। इज दिस क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट फेज है, कौन सी? एस्ट्रस फेज, जिसको हीट पीरियड भी कहा जाता है, और ओव्यूलेशन जैसी घटना इसके अंदर होगी, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो ब्रस्ट होंगे और ओव्यूल को रिलीज करेंगे, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहेंगे इसमें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है बेटा वो है पोस्ट एस्ट्रस। पोस्ट एस्ट्रस फेज के अंदर क्या होगा? अगर मेटिंग हुई और मेटिंग के बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया तो ऐसी स्थिति के अंदर पोस्ट एस्ट्रस फेज के अंदर क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम बनेगा, और कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो ऑब्वियसली प्रोजेस्ट्रॉन बनेगा जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है, कौन सी में? पोस्ट एस्ट्रस फेज के अंदर, यानी कि इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस ये होगी, कार्पस ल्यूटियम बनेगा जो प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन करेगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ही कार्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है ना, तो वो कौन सी फेज होगी? पोस्ट एस्ट्रस फेज। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक वर्ड और यहां पे यूज कर लिया जाता है, डाइएस्ट्रस फेज। डाइएस्ट्रस फेज वैसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, लेकिन है कुछ नहीं है। ये मान लीजिए कि पहली एस्ट्रस और दूसरी एस्ट्रस साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइएस्ट्रस फेज बोलते हैं, यानी कि दो एस्ट्रस साइकिल के बीच का पीरियड क्या कहलाता है? डाइएस्ट्रस। तो ये छोटा सा अपन ने एक सिंपली प्राइमेट से उनके अंदर होने वाला जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसको क्या कहा जाता है? एस्ट्रस साइकिल, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन लेंगे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, मंकीज के अंदर है, एप्स जो है उनके अंदर पाई जाने वाली साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मेनस्ट्रुअल साइकिल। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, इज दिस क्लियर? मेनस्ट्रुअल साइकिल अपन ले रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया बेटा कि ये किसके अंदर होगी? प्राइमेट फीमेल्स के अंदर, ठीक है ना। प्राइमेट फीमेल्स का मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर, मैंने बताया ह्यूमन, मंकी, एप्स उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स इसका जो पीरियड होता है वो 28 से 29 डेज का होता है। इसको मंथ साइकिल या महावारी हिंदी के अंदर अपन इसको यूं बोल देते हैं, ठीक है ना, मासिक चक्कर यानी मंथली साइकिल भी बोल देते हैं। इन केस ऑफ प्राइमेट्स ह्यूमन बींग्स ये साइकिल मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस मेनस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी हासिल करने पर, यानी कि जब वो 12 से 14 साल के बीच में इस साइकिल की बिगनिंग होती है, तो उस घटना को अपन कहते हैं मेनार्क। क्या है? बिगनिंग ऑफ एमसी यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट प्यूबर्टी, और ये कब एक फीमेल में स्टार्ट होती है? 12 टू 13 या 14 ईयर की जो एज है उसके अंदर फर्स्ट टाइम उसके अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है तो वो जो घटना है वो कहलाती है मेनोपॉज। व्हाट वी कॉल दैट? मेनोपॉज। दिस इज वी कैन से क्लोजअप ऑफ या क्लोजर ऑफ, बंद होना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये कब होता है? 45 ईयर से लेकर के 50 ईयर की फीमेल जब हो जाती है उसके बीच में, ठीक है ना। तो ये जो टोटल इनके बीच का जो गैप है वो लगभग 32-33 साल का पीरियड होता है मेनार्क से लेकर के मेनोपॉज के बीच का, उसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है ना, पीरियड बिटवीन कहां से लेकर के मेनार्क टू मेनोपॉज के बीच का जो टाइम है, एंड दैट इज ऑफ 32 ईयर्स मोस्टली,
ये 32 साल के करीब होता है, और इन 32 साल के अंदर एक फीमेल के द्वारा लगभग 400 बार वो गुजरती है किससे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से, यानी कि 400 टाइम्स ओव्यूलेशन होगा, इसका मतलब 400 बार ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है बीच में, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो ड्यूरेशन होता है और उसके बाद में 6 महीने लैक्टेशन का जो ड्यूरेशन होता है उस दौरान क्या नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी। तो अगर वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रही है तो वो कितनी, 400, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन देखें तो सेकेंडरी ओसाइट जो है उसका जो रिलीज है वो 400 टाइम्स किसके अंदर, फीमेल के अंदर, एक के अंदर होता है। तो जहां लाखों के अंदर प्रीमोडियल सेल थे उसमें से 400 से 450 प्रीमोडियल सेल जो है वो सेकेंडरी ओसाइट और ओवा की मेच्योरिटी स्टेज तक पहुंचते हैं, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम 4 फेजेस के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दैट इज डिवाइडेड इन द 4 फेजेज, 4 फेजेज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एनसीईआरटी में भी डायग्रामेटिक बेस भी इसका दे रखा है कि इस मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है, ठीक है ना। ये ओवरी के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उनका लेवल क्या होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरी के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं ये पूछा जाता है, या फिर यूट्रस के अंदर उस समय में वो जो 28-29 दिन का पीरियड है उसमें कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं, क्या चेंजेस चलते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। तो टोटल जो साइकिल है उसको अपन 4 फेजेस में क्या करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके जो डायग्राम है उस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करें, उस डायग्राम के आधार पर अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सिंपल है, जोर डालने की जरूरत ही नहीं है दिमाग के ऊपर, बहुत सिंपल है। ये जो बॉक्स है इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा, देखिए ये पहला पार्ट और ये दूसरा और तीसरा, ठीक है, इन 3 पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पे सबसे ऊपर वाला जो है इसमें अपन क्या लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं उनका क्या लेवल है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, आपको याद होगा शुरू में अपन ने जब ये टॉपिक स्टार्ट किए थे तब अपन ने बात की थी कि हाइपोथैलेमस है वो GnRH गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और उनके इन्फ्लुएंस के अंदर फिर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन्स जो हैं उनको सिक्रीट करती है, ठीक है ना। तो यहां पे अपन ले रहे हैं सबसे ऊपर लेवल ऑफ हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं उनका लेवल। तो देखिए इन बिगनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं वो 2 हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी बिगनिंग के अंदर इन दोनों हार्मोन्स का लेवल बहुत कम रहेगा शुरुआत के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 14वें दिन तक जाते जाते बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पहली चीज जो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो हार्मोन्स हैं ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं अपन, जैसे ये 14 डेज यहां पे है, ठीक है। तो ये FSH जो है 14 डे आने के नजदीक इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, फिर वापस 14 डेज के बाद में कम होता जाएगा, और नेक्स्ट साइकिल के अंदर थोड़ा सा फिर बढ़ेगा। जो नेक्स्ट साइकिल आ जाएगी 28 दिन के बाद क्या पीरियड है ये बॉक्स अगली साइकिल के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा हार्मोन है जिसका नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
इसका जो लेवल है वो 14 डे पे मैक्सिमम होगा, ये मैं फुल लाइन से दिखा देता हूं यूं। डायग्राम देख करके आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन दिखाया गया है, ये है LH और ये है FSH, ठीक है बेटा। और यहां से आप ये लेकर के चलें 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, यहां पे 14वां दिन है, ठीक है ना। फिर ये 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, फिर 29, यानी कि 28 दिन के बाद की स्थिति। ये यहां से चलेंगे अपन, ठीक है, और वहां तक, यहां पे 14 डे आ रहा है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेटेड हार्मोन्स हैं उनका लेवल मैंने आपको बताया। अब दूसरा मैं यहां पे ले रहा हूं क्योंकि इसी समय ओवरी के अंदर भी, तो आपने देखा था ओवरी के अंदर भी यूजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है और वहां पे भी क्या बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं ओवरी के द्वारा। क्या थिका इंटरना याद है क्या आपको, ठीक है ना। तो ओवेरियन हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वहां पे बन रहे हैं, या कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो उनके द्वारा जो हार्मोन्स बनेंगे, तो अपन यहां पे ले रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की दो पीक आती है, ये ध्यान में रखना, एक लगभग 11वें दिन के करीब मिलेगी और एक अपने को 22वें दिन के बाद में मिलेगी, ठीक है ना, 22वें दिन के बाद में। तो मैं दोनों पीक ले रहा हूं इसकी, किसकी, एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन, इज दिस क्लियर। और दूसरा जो मैं ले रहा हूं वो प्रोजेस्टेरोन, दिस इज द प्रोजेस्टेरोन, ये मैं दिखा देता हूं बेटा यहां पे, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड दिस वन इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की तो ये स्थिति चल रही है डे वाइज, और ओवरी के हार्मोन्स की ये स्थिति चल रही है, ठीक है ना। ये लेवल किसका दिखा रहे हैं अपन, ओवेरियन हार्मोन्स लेवल, ओवेरी के अंदर बनने वाले हार्मोन्स का लेवल, बहुत इजी समझना है इसको। तो उस समय देखिए ओवरी के अंदर क्या चल रहा है, ओवरी को अगर अपन देखें तो जब मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो आपको याद होगा सबसे पहले क्या था, यहां पे याद कीजिए, प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल था यहां पे, ठीक है, शुरुआती अवस्था में। LH और FSH का लेवल क्या है, कम है इस समय, ये जो फेज है इसके अंदर ओवरी जो है उसकी जो ले सॉरी यूट्रस जो है उसकी एंडोमेट्रियम टूट रही होती है और ब्लीडिंग वाली फेज चालू होती है, जो अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। एक बार डायग्रामेटिकली देख लीजिए, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट विल कन्वर्ट इन टू द प्राइमरी फॉलिकल, किसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, याद है, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो डिवाइड होती जाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या होगा, ये जो ऊसाइट है प्राइमरी ऊसाइट, उस प्राइमरी ऊसाइट के बाहर की ओर क्या बनना शुरू होगी, जोना पहले सुडा, याद होगा आपको, और ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी ऊसाइट में, और कैविटी भी बनना शुरू हो जाएगी, एंट्रम भी बनना शुरू हो जाएगी। अभी आएगा सेकेंडरी से कौन सी अवस्था में, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल अवस्था में, ये एग या सेकेंडरी ओसाइट है इस समय ये, और इसके चारों ओर ये, और ये यहां पे क्या बन गई, कैविटी, और ये थीका एक्सटर्ना और थीका, तो ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया। 14वें दिन ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और इसके फटने से कौन बाहर आएगा बेटा, सेकेंडरी ऊसाइट, ये बाहर आ गया सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद होगा आपको बताया था कार्पस ल्यूटियम में, और कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, कल भी अपन ने डिस्कस किया था, कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ठीक है ना,
ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करवाएगी जिससे प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जा सके मोस्टली। और अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में, जो धीरे धीरे 28वें-29वें दिन के नज़दीक जाते हुए डिजनरेट हो जाएगी, एकदम नष्ट हो जाएगी। यानी कि ये कार्पस ल्यूटियम है CL, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये CA कार्पस एल्बिकेंस है, और ये फॉलिकुलर स्टेज है। इज दिस क्लियर? अब देखिए यहां पे यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है। यूट्रस के अंदर प्रारंभिक जब मेनस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन होते हैं तीन चार दिन, तो उस समय ये एंडोमेट्रियम जो है वो अत्यंत पतली होगी, और इस दौरान इसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग होना शुरू होगी जिसको मेंसस बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे इसकी साइज बढ़ना शुरू होगी, यानी कि प्रोलिफरेट करना शुरू करेगी ये 5, 3-4 दिन के बाद। और अगर फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हुआ है तो वापस ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी एंड की ओर जाते हुए। यहां पे क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, एंडोमेट्रियम क्यों छिल रही है, तो इसका कारण ध्यान में रखना, प्रोजेस्टेरोन नहीं है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है तो फिर ये क्या होगी, प्रोजेस्टेरोन तो इसको बनाए रखे हुए है, तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, इसलिए शुरुआत के अंदर ये क्या होगी, रैप्चर होगी और ब्लड और टिश्यू वेजिना के द्वारा बाहर निकलेंगे, जिसको अपन ब्लीडिंग फेज कहेंगे, वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पहले से ही आपको तैयार होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैक्सिमम लेवल कब होता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 18-21 हाईएस्ट लेवल होगा किसका बेटा, प्रोजेस्टेरोन का। 11-14 के बीच में LH और FSH का, ठीक है ना, 14वें दिन तो LH की मात्रा सबसे ज्यादा होती है जिसको LH सर्ज कहते हैं, ये आपको पहले से ध्यान में होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो पहले से अपने को पकड़ करके रखनी है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तभी एंडोमेट्रियम छिलेगी। तो देखिए दो जगह घटनाएं चल रही हैं, अब एक यूट्रस के अंदर चल रही है और दूसरी कहां पे चल रही है, ओवरी के अंदर। मेनस्ट्रुअल साइकिल का मतलब यही है जो 28 या 29 दिन की है। तो एक फीमेल के अंदर मान लो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई आज से, ठीक है ना, तो आज से जो पहली फेज उसके अंदर स्टार्ट होगी वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द ब्लीडिंग फेज। मेनस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज जो है वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग फेज कहलाता है। व्हाट वी कॉल दैट, ब्लीडिंग फेज। इज दिस क्लियर? ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, ये मोस्टली 3-5 डेज तक चलेगा। और डायग्रामेटिकली अब आप देखें इसमें क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम, ये मैं जो दिखा रहा हूं ये यूट्राइन इवेंट दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये कौन से इवेंट है, ओवेरियन, ओवेरी में होने वाली घटनाएं, और ये यूट्रस में, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन के लो लेवल के कारण, लो प्रोजेस्टेरोन के कारण एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी आउटर, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटम फंक्शनल, वो स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो रैप्चर होगी। और स्टेटम फंक्शनल के रैप्चर होने से क्या होगा बेटा, ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगी, टिश्यू जो है वो डिग्रेड होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेनस्ट्रुअल फ्लो होगा किसके थ्रू होते हुए, वेजिना से होते हुए बाहर आएगा, मेनस्ट्रुअल फ्लो, ब्लीडिंग होगी जिसको अपन बोलते हैं। और उसके अंदर क्या है, म्यूसिलेज प्लस सेल्स या टिश्यू किसका, एंडोमेट्रियम का, इनर्ट एग प्लस ब्लड वो निकल रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर प्लाज्मिनोजन नाम का एंटीकोगुलेंट होता है, इसलिए इसका थक्का नहीं बनेगा, ये ब्लड के रूप में या लिक्विड के रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मिनोजन क्या है, एंटीकोगुलेंट है इसमें, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और 3-5 दिन तक ये क्या होगी, ये ब्लीडिंग चलती रहेगी किसके अंदर, फीमेल के अंदर। और पर ब्लीडिंग ये माना जाता है कि लगभग 40-50 ml
ब्लड का लॉस होता है किसको, फीमेल को, ठीक है ना। तो फीमेल एनेमिक भी हो सकती है अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो तो, ऐसी स्थिति में। इज दिस क्लियर? इस अवस्था में ओवेरियन जो हार्मोन्स हैं, कौन से, सॉरी पिट्यूटरी हार्मोन लेवल और ओवेरियन हार्मोन लेवल, दोनों का ही लेवल आप देखिए। ये देखिए पहले 5 दिन का पीरियड ये है, इसमें दोनों ही हार्मोन्स का लेवल क्या है, नीचे है। तो ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल लो होगा, ये ध्यान में रखें। ये कौन सी फेज हो गई, ब्लीडिंग, पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो अपन ले रहे हैं इसमें दूसरा जो है, दूसरी जो फेज होती है ब्लीडिंग फेज के बाद, दैट इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफ्रेटिव फेज भी बोलते हैं उसको, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफ्रेटिव फेज, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। इसमें फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, यानी कि फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इस अवस्था में पहले वाली में नहीं हुआ था, ये प्रीमोडियल ही था। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अपन प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले की तैयारी होगी, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। लगभग 8 से 10 दिन तक चलती है, यानी कि 5वें-6वें दिन से लेकर के 14वें दिन के बिगिनिंग तक ये चलती है। कौन सी, फॉलिकुलर प्रोलिफ्रेटिव फेज। इस फेज में क्या हो रहा है, देखिए बेटा, ये कौन है LH और ये कौन है FSH। FSH की मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो FSH लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, FSH हाई। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल तक का डेवलपमेंट इसमें होगा। प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के ग्राफियन फॉलिकल तक का डेवलपमेंट इसमें होगा, ठीक है। एफएसएच का लेवल ये देखिए 14, तो इससे पहले 13वें-14वें दिन एफएसएच लेवल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। इस फेज के अंदर 13वें-14वें दिन तक आते आते एफएसएच का लेवल क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जो है उसकी जो बाहर की लेयर है जिसका नाम क्या है, थीका, ग्राफियन फॉलिकल की आउटर लेयर जिसका नाम क्या है, थीका, वो क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगी, एस्ट्रोजन। तभी देखिए यहां पे ये एस्ट्रोजन जो है ये बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन सिक्रीशन करना शुरू कर देगी, कौन, थीका, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के बाद में तो कौन, प्लेसेंटा कर देगी, कल बात हुई थी 3 महीने बाद में, लेकिन अभी कौन कर रही है, थीका जो लेयर है वो क्या कर रही है, एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देगी। अब एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा, दैट विल रिफॉर्म द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा, और इसमें ब्लड वेसल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वो डिवाइड होती जाएंगी, ग्लैंड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, और ये फूलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, प्रोलीफ्रेशन हो रहा है इसका, इसीलिए इसको प्रोलीफ्रेटिव फेज कह रहे हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, इसमें प्रोलीफ्रेट हो रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम रिपेयर और रिफॉर्म, इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स की संख्या बढ़ जाएगी किसके अंदर, एंडोमेट्रियम में, की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस वन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन यहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, और पॉजिटिव फीडबैक देगा तो और ज्यादा मात्रा में किसको देगा, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, गोनेडोट्रोपिन, जीएनआरएच रिलीजिंग हार्मोन, और वो जीएनआरएच बनाएगा तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एफएसएच बनाएगी। इज दिस क्लियर? और 11th डे ऐसा दिन होगा जिस दिन एस्ट्रोजन का लेवल मैक्सिमम होगा, द मैक्सिमम। अब ये क्या करेगी, नेगेटिव फीडबैक, जब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बन जाएगा तब हाइपोथैलेमस के पास क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, और नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, एफएसएच का बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 11th डे के बाद
क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक देना शुरू करेगी। कौन? एस्ट्रोजन, क्योंकि 11 डे तक एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, फिर उसके बाद में वो एस्ट्रोजन जो है बढ़ा हुआ वो नेगेटिव फीडबैक देगा। तो नेगेटिव फीडबैक देगा तो एफएसएच का लेवल क्या होता जाएगा, कम। लेकिन जब तक वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो त्यू त्यू क्या होता जा रहा है, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाएगा तो जीएनआरएच ज्यादा बनेगा। जीएनआरएच किसको मैसेज देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगी, ज्यादा मात्रा में क्या बनाएगी, एफएसएच बनाएगी। लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल जो जो बढ़ता जाएगा त्यों त्यों फिर क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक की जगह पे वापस कौन से, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट जो एस्ट्रोजन की वो नेगेटिव फीडबैक के रूप में काम करेगी हाइपोथैलेमस के लिए। तो वो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच के सिक्रीशन को क्या करवा देगा, कम करवा देगा। तो बढ़ता क्यों है, एस्ट्रोजन के थीका इंटरना के द्वारा बनने वाले एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण क्या बनेगा, ज्यादा एफएसएच। और जब उसका लेवल बहुत ज्यादा मात्रा बन जाएगी तो वो ही एस्ट्रोजन फिर एफएसएच की सिक्रेशन के लिए कौन सा फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस वन, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए इस नेगेटिव फीडबैक के कारण एफएसएच का तो क्या होगा, सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इधर देखिए आप, एलएच का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एफएसएच तो कम होना शुरू हो गया, लेकिन एलएच क्या है, उसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और ये एलएच का सिक्रेशन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस के लिए। तो जो नेक्स्ट फेज होगी वो भी क्या होगी, ओव्यूलेटरी फेज। नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन टू हाइपोथैलेमस विल रिड्यूस द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, बट दिस नेगेटिव फीडबैक विल वर्क पॉजिटिवली फॉर द सिक्रीशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो 14वें दिन तक आते आते एलएच की जो है ना मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एलएच की मात्रा बढ़ जाएगी तो अब नेक्स्ट फेज होगी, और वो कौन सी होगी, ल्यूटिनाइजिंग फेज भी कह सकते हैं उसको, या उसी को अपन कह सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज अपन ले रहे हैं अब, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, अपन ये कह सकते हैं कि मुख्य फेज है जिसके अंदर ओव्यूलेशन की प्रोसेस होगी, तो मेन फेज है ये, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, देखिए 14th डे प्लस माइनस 2 डेज हो सकते हैं, ठीक है ना, ओव्यूलेटरी फेज देखने को मिलेगी, जिस दिन क्या होगा एलएच का लेवल मैक्सिमम हो जाएगा। ये एलएच है, एलएच का लेवल मैक्सिमम, इसको अपन फर्टिलिटी फेज दूसरा नाम देते हैं, जो मैंने बताया अभी फर्टिलिटी फेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट फेज है। एलएच का लेवल बढ़ना जो है वो कहलाता है एलएच सर्ज, इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखें। 14th डे मैक्सिमम लेवल, 11 से 14 दिन तक बढ़ेगा, लेकिन 14 दिन सबसे ज्यादा होगा। और मैक्सिमम एलएच क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को ब्रस्ट कर देगा। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा बेटा, ब्रस्ट, और ये ब्रस्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी ऊसाइट बाहर आ जाएगा, आउट बाहर, ठीक है। और किसके अंदर, याद होगा ना आपको, अरे फेलोपियन ट्यूब कैंपुला के अंदर जाएगा फिर फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। ओवरी से निकल करके अब ये कहां पे जा रहा है, सिलोम में, और सिलोम से किस में, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कब हो रहा है ये, 14th डे, ठीक है। और इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, दिस इज द थर्ड फेज, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट एंड जो लास्ट फेज है, जो 14-15 दिन के बाद में स्टार्ट होगी और 28वें दिन तक चलेगी, सबसे लंबी फेज जिसको अपन बोलते हैं सिक्रेटरी फेज कहते हैं, या उसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी या सिक्रेटरी फेज, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटल फेज, क्योंकि ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम के इन्फ्लुएंस में होगी, कार्पस ल्यूटियम जो है वो बनेगी, अपन ये मान करके चल रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। तो कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो प्रोजेस्टेरोन बनवाएगी, और प्रोजेस्टेरोन बनवाएगी तो आगे वाले जो काम है वो होंगे बेटा, ठीक है ना। यानी कि प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा क्योंकि उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, और वो ब्लास्टोसिस्ट आकर के इम्प्लांट होगा, ठीक है ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो, ठीक है। तो अब अपन इस फेज को, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सिक्रेटरी फेज,
या पोस्ट ओविलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या इसी को आप क्या कह रहे हो बेटा, ल्यूटल फेज। अब डायग्रामेटिकली देख लीजिए आप क्या हो रहा है, LH और FSH का लेवल क्या होता जा रहा है, कम। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बना रही है। एस्ट्रोजन का कम होगा, क्यों, क्योंकि थिका ने अब इसको बनाना बंद कर दिया है। याद होगा आपको, अरे थिका तो ये रहेगी ना यहीं पे, ठीक है ना। अब इसको कौन बनाएगा, प्लेसेंटा बनाएगी, तब इसकी मात्रा क्या होगी आगे जाकर के ज्यादा होगी, मैंने कल ही बताया था, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पूरी तरह प्रोलिफरेट हो चुकी है, यानी कि तैयार हो चुकी है, स्पॉन्जी हो चुकी है, फ्लेशी हो चुकी है। कौन, एंडोमेट्रियम, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। किसके इम्प्लांटेशन के लिए, एग के, फर्टिलाइज्ड एग के या ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। तो ये 13-14 दिन की फेज होगी, कौन सी, यानी 14-15 दिन से लेकर के 28 दिन तक की फेज है, कौन सी, ल्यूटल फेज जो है, जिसको अपन कह रहे हैं, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम इसमें क्या होगा, बनेगा, जो दिख रहा है डायग्राम में। और कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा, और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन होगा वो क्या करेगा बेटा, एंडोमेट्रियम की विड्थ और उसके अंदर ब्लड वेसल्स की संख्या और ग्लैंड्स को और बढ़ा देगा, यानी कि एंडोमेट्रियम की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए यहां से चले थे अपन, विड्थ इंक्रीज, ब्लड वेसल्स, ये मैं बढ़ा देता हूं, ये देखिए ये नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ग्लैंड्स विल इंक्रीज, ठीक है ना। और ये क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा कौन, एग, और फिर प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसको, प्रेगनेंसी को। इज दिस क्लियर, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर अपन दूसरी कंडीशन ले कि मान लो कि एग जो है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो ऐसे में कार्पस ल्यूटियम जो है वो किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस एल्बिकेंस में। कार्पस ल्यूटियम विल चेंज इन द कार्पस एल्बिकेंस विच विल रिलीज द वाइटिस सब्सटेंस, जो वाइटिस सब्सटेंस को क्या करती है, रिलीज करती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। और कार्पस एल्बिकेंस बन गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता जाएगा फिर, सिंपली आप ही बताओ यार, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये बनाने वाली जो थी वो तो एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गई, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या आता जाएगा, कम आता जाएगा। तो कार्पस ल्यूटियम जो है 22-23 दिन तक लगभग फिर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या तो डेवलप होती वो, लेकिन अब खत्म हो जाएगी और वो कार्पस एल्बिकेंस बन गई है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो फिर वापस मेंसस, यानी कि वो ब्लीडिंग वाली फेज, यानी कि नेक्स्ट साइकिल क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इज दिस क्लियर। तो कंप्लीट अगर अपन देखें तो एक तो हार्मोनल आपको ध्यान में रखना है, 11 से 14 LH और FSH के लिए, 14वें दिन LH की सबसे ज्यादा मात्रा, और LH ही वो हार्मोन होगा जो ओव्यूलेशन करवाएगा, ग्राफियन फोलिकल को ब्रस्ट करवाएगा। इज दिस क्लियर। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या, देखिए एस्ट्रोजन पहले कौन बना रहा है, थिका, और उसके बाद में कौन बना रहा है, प्लेसेंटा। ये दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सर्वाधिक मात्रा 18-21 दिन होगी, क्योंकि इस बीच में कौन, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ग्राफियन फोलिकल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अगर अपन यूट्रस की बात करें तो पहले 5-6 दिन के अंदर ये क्या होगी, एंडोमेट्रियम छिलती जाएगी और इसकी ब्लड वेसल्स उत्पन्न हो जाएंगी, टिश्यू टूटेगा, ठीक है ना, और जो इनर्ट एग हैं वो मिक्स होकर के वेजिना के थ्रू निकलेंगे, जिसको अपन ब्लीडिंग फेज कहेंगे। यहां से लेकर के यहां 13-14 दिन तक की जो फेज है वो सेकेंड फेज है, जिसको आप क्या कह रहे हो, फोलिकुलर फेज, जिसमें यहां पर यह तैयार हो रही है कौन, यूट्रस, और ओवरी के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं, फोलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर, ग्राफियन फोलिकल के अंदर। 14वें दिन LH की मात्रा बढ़ रही है, FSH की मात्रा कम होना शुरू हो जाएगी, कारण एस्ट्रोजन ज्यादा है यहां पे, और ये बढ़ावा एस्ट्रोजन मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बढ़ावा एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस के पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो वो लो GnRH बनाएगा कम,
और जीएनआरएच कम बनाएगा तो एफएसएच का सिक्रीशन कम होगा, लेकिन दूसरी ओर वो एलएच के सिक्रीशन को थोड़ा बढ़ा देगा, फिर एलएच का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, लेकिन एक बार बढ़ेगा किसके लिए, ग्राफियन फॉलिकल को ब्रस्ट करवाने के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, प्रिपेयर कर रहा है किसको, एंडोमेट्रियम को, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, इज दिस क्लियर। और आगे इसको मेंटेन भी करना है किसको, प्रेगनेंसी को, एस्ट्रोजन को भी और प्रोजेस्ट्रॉन को भी, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए रिस्क पीरियड और रिस्क फ्री पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कौन से होते हैं जिसमें बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाए प्रेग्नेंट फीमेल होने से बच सकती है। तो पहले जो दिन होते हैं 8-9 दिन, उसके अंदर अगर बिना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी बिना कंडोम के या किसी भी प्रकार के कोई भी युक्ति अपनाए हुए अगर मेल और फीमेल के बीच में सेक्स होता है और सीमन को वेजिना में मुक्त किया जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम रहते हैं। ऐसे ही 18वें दिन के बाद जो मोस्ट अगर अपन ये कहें कि सेंसिटिव जो पीरियड होता है वो 10वें दिन से लेकर के 15वें 16वें दिन तक का जो पीरियड होता है वो सेंसिटिव पीरियड होता है। अगर उसके अंदर कपलिंग होती है, मेटिंग होती है मेल और फीमेल के बीच में, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक। ये अपना टॉपिक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, तैयार कीजिए इसको और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप दीजिए, लगे रहिए, लगे रहना ही जिंदगी है और वो ही कामयाबी है। इज दिस क्लियर, ओके, थैंक यू।